मैं आपका स्वागत करता हूं इंडिया फर्स्ट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम, यानी कि 3D सेल्फी के माध्यम से साइंस को समझना। आज हम बात करेंगे साइंस ऑफ स्लीप के 5 स्टेप। ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम की लॉन्चिंग 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती के दिन, और इस खास मौके पे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स जो कॉन्वोकेशन में आएंगे उनको मौका मिलेगा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सेल्फी साइंस म्यूजियम के फर्स्ट विजिट का। अभी जो आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, आप जरा कैमरा ऊपर दिखाइए, ये है द ग्रैंड कैनियन का लुक, द ग्रैंड कैनियन। आप नीचे आप दिखाएंगे, आप खास देख रहे हैं एक खास तरह की कलाकृति, और ये जो पत्थरों को तराशा गया है खास तरह से, जैसा विजुअल इफेक्ट नीचे देख रहे हैं या फिर मेरे पीछे देख रहे हैं या फिर ऊपर की तरफ कैमरा ले जाएं, ऊपर से एक सन का रेज आते हुए दिख रहा है। तो ये है आज से करीब 60 लाख साल पहले एरिजोना में रिवर पानी के फ्लो से, रॉक के कटने से एक खास तरह की कलाकृति बनी, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इसीलिए दुनिया के 7 नेचुरल वंडर में से एक वंडर जो आप अपनी आंखों से अभी देख रहे हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम। अब बात करते हैं साइंस की, साइंस ऑफ स्लीप की। आप में से वो लोग जिनको दवाइयां खानी पड़ती हैं, स्लीपिंग पिल्स खाने पड़ते हैं नींद के लिए, वो लोग जो इंसोमनिया के पेशेंट्स हैं, उनके लिए 5 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब इस साइंस ऑफ स्लीप का इस केव से क्या ताल्लुक है, पहले हम केव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अक्सर हमने सदियों से सुना है ऋषि मुनि का फेवरेट प्लेस होता था गुफा के अंदर बैठ के मेडिटेशन करने का, और कहीं से कोई सूरज की रोशनी आएगी, इस तरह का एक फेवरेट जगह वो चुनते थे। लेकिन इमेजिन कीजिए, आपको इस तरह का एक गुफा में हम भेज दें और पीछे जो लाइट का सोर्स है, सन रेज है, उसको हम ब्लॉक कर दें, यानी कि एक अंधेरे ग्रुप गुफा, और ऐसे गुफा में अगर एक टॉर्च पकड़ा दें और बोलें कि इसमें रहना है, तो अब आपके बॉडीली क्या चेंजेस आएंगे उसकी बात तो हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन आपके नींद में क्या बदलाव आएंगे, इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए पिछले 50 सालों में, और बार बार ये पाया गया कि अगर आपके बॉडी को और आपकी आंखों को सन रेज का क्लू ना मिले, ब्लॉक कर दिया जाए, तो आपका जो स्लीप साइकिल है, आपका जो डे एंड नाइट का साइकिल है, वो धीरे धीरे बदलने लगता है, आपका सर्कैडियन क्लॉक बदलने लगता है। मतलब ये ओवर द पीरियड ऑफ सम टाइम, अगर आप डार्कनेस में रहते हैं, एक ऐसी जगह रहते हैं जहां पे सूरज की रोशनी नहीं मिलती, जब भी आपको रोशनी चाहिए, आपके पास अपना टॉर्च है या अपना लाइट है, लाइटिंग सिस्टम है, तो धीरे धीरे आपका बॉडी 24 आवर्स को 48 आवर्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि आपका एक दिन लगभग 48 आवर्स का होने लगता है, यानी कि 24 घंटे आप सोते हैं और 24 घंटे आप जग के काम करते हैं। तो यानी कि अगर जिसको बहुत सोना है, उसका बेस्ट आइडिया है कि ब्लॉक द सनलाइट एंड यू विल स्लीप फॉर 24 आवर्स एंड विल वर्क फॉर 24 आवर्स। लेकिन खैर, मैं इसकी मशवरा नहीं देता हूं, क्योंकि सनलाइट के ब्लॉक होने से हमारे बॉडी का सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाता है, और जिससे कैंसर, हार्ट डिजीज, बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं। हम बात करते हैं कि हाउ टू गेट ए गुड नाइट स्लीप। यहां पे पहला रूल, पहला स्टेप, जितना ज्यादा ब्राइट डे लाइट में रहेंगे उतनी अच्छी रात की नींद होगी। यानी कि दिन में कोशिश करना है खिड़की पर्दे खोल दें, या किसी बंद कमरे में तो लाइटें ज्यादा ज्यादा हो, जितना ज्यादा लाइट एक्सपोजर दिन में होगा उतनी अच्छी नींद रात को होगी। ये तो हो गया पहला नियम। बात करते हैं दूसरे नियम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। हर रात आपके सोने से पहले आपका बॉडी खुद ब खुद अपना ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डिप करता है बाय 10% to 20%, और बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा डिप करता है बाय अबाउट 0.5 डिग्री। जब ये दोनों चीज होती हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बॉडी प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन, जिससे आपको हर रात नींद आती है। यानी कि हर रात आपका बॉडी बिना भूले ये दो बदलाव करता है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर रात, और जिनको रोज ही नींद नहीं आती उनके लिए हर रात
शायद उनका बॉडी भूल जाता है कि ब्लड प्रेशर को थोड़ा डिप करना और टेम्परेचर को थोड़ा डिप करना, एज ए रिजल्ट वो फिर इंसोम्निया के पेशेंट बन जाते हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए, स्टेप टू, खुद ब खुद अपना ब्लड प्रेशर, खुद ब खुद अपना बॉडी टेम्परेचर थोड़ा डिप करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए बड़ा आसान टेक्निक है, स्टेप टू ये है, एक बाल्टी लीजिए, बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस का पानी रखिए और जैसा वीडियो में देख रहे हैं अपने दोनों पैर 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में डाल दीजिए और ऐसे आधे घंटे तक बैठिए। जब ऐसा आप करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा डिप होगा और टेम्परेचर बॉडी का उल्टा थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन जब ये आधे घंटे बाद आप बाल्टी से बाहर पैर कर लेंगे, अब आपका टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ था आर्टिफिशियल बिकॉज ऑफ द हॉट वाटर, वो डिप करने लगेगा। मतलब ये कि अब ब्लड प्रेशर ऑलरेडी डिप हो चुका है एंड आपका बॉडी टेम्परेचर डिप होने के प्रोसेस में है, एंड दैट विल गिव यू इंड्यूस द स्लीप, वो आपको स्लीप इंड्यूस कर देगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी हम अक्सर अपने पेशेंट्स के साथ करते हैं, उनको सिखाते हैं हमारे हॉस्पिटल में या फिर अदरवाइज ऑल्सो। तो ये हुआ स्टेप टू। अब बात करते हैं स्टेप थ्री की। स्टेप थ्री इज एक्सरसाइज बिफोर 3 PM। दोपहर से पहले अगर एक्सरसाइज का काम खत्म कर लेते हैं तो रात की नींद अच्छी हो जाती है। दोपहर के बाद अगर एक्सरसाइज करते हैं तो यू मे स्ट्रगल इन गेटिंग द स्लीप। अब आते हैं स्टेप फोर। स्टेप फोर, सनसेट से पहले अपना डिनर फिनिश कर लें, सनसेट के बाद कुछ भी ना खाएं, खास तौर पे कैफीन या कई तरह की दवाइयां, बीटा ब्लॉकर एक्सेट्रा, क्योंकि वो इंटरफेयर करती है विद द प्रोडक्शन ऑफ मेलेटोनिन, जिससे आपके नींद आने में दिक्कत आती है। अगर आप सनसेट से पहले डिनर फिनिश कर लेते हैं तो आपकी रात की नींद बड़ी अच्छी हो सकती है। और पांचवी और आखिरी बात, रिस्ट्रिक्टेड बेड टाइम। जो हैबिचुअल, जिनको सोने की दिक्कत है, इंसोमनिया की दिक्कत है, नींद की गोली लेनी पड़ती है, उनके लिए टाइम रिस्ट्रिक्टेड फॉर गोइंग टू द बेड, बेड पे जाने और बेड से उठने का टाइम रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए फोर्सफुली 2 to about 6 hours, कि 6 घंटे के लिए बेड में जाएंगे, नींद आए ना आए 6 घंटे बाद जबरदस्ती उठना ही है। जब आप ये करेंगे 3-5 दिन के अंदर आपका बॉडी का सर्कैडियन क्लॉक ठीक होने लगेगा और आप बेड पे जाएंगे और जाते ही बड़ी जल्दी से आपको नींद आने लगेगी। जब नींद आने लगेगी तब आप वो जो टाइम रिस्ट्रिक्शन किया था उसको आप छोड़ दीजिए। ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हर इंसान का जो नींद की रिक्वायरमेंट है उसके उम्र के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से अलग अलग होता है। एक छोटा बच्चा, एक इन्फेंट कई बार 15, 18, 20 घंटे तक भी सोता है, जो न्यूली बॉर्न होता है 22 घंटे तक भी सोता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी नींद की आवश्यकता घटती रहती है। लेकिन मान लो कोई 40 से 50 साल का इंसान है, उसको भी करीब 8 घंटे तो सोने की जरूरत होती ही है। तो खैर, ये 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, 5 महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं फॉर ए गुड नाइट स्लीप। एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इट इज कॉल्ड द स्लीप गेट। कभी याद कीजिए, ऐसा हुआ आपके साथ कि अचानक एक पर्टिकुलर दिन आपको नींद नहीं आ रही, फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, अल्टीमेटली 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद ही नींद आती है। इसे कहते हैं स्लीप गेट। एक बार स्लीप का गेट बंद हो गया तो अगली बार जब खुलेगा वो 1.5 से 2 घंटे से पहले नहीं खुलेगा, बिटवीन 1 hour 30 minutes to 2 hours। जबकि ये आपको पता चल ही चुका है तो उस 1.5-2 घंटे में आप बेड में स्ट्रगल करते रह जाएं, तो बजाय इसके उठ के कोई काम कर लिया, कोई किताब पढ़ लिया, कल की कोई तैयारी कर ली, क्योंकि पता है कि अगला स्लीप गेट ओपन होने वाला है, दैट इज बिटवीन 1 hour 30 minutes to 2 hours, और उतने टाइम के बीच में आपको नींद आने लगेगी, आप बेड में गए और जाते ही आप सो गए। तो दिस इज साइंस ऑफ स्लीप। इसके डिटेल में जाना है, सारे एविडेंसेस देखने, रिसर्च पेपर्स अगर आपको देखने, यू कैन रीड माई बुक द सर्कैडियन डॉक्टर। ये बुक बेस्ट सेलर बुक है, कई सारे ऑनलाइन स्टोर्स में अवेलेबल है पूरे दुनिया भर के, लेकिन आप मेरे वेबसाइट से इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और खास तौर पे जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनके लिए मेरा जो मैसेज है वो ये कि 2 अक्टूबर को एक खास कॉन्वोकेशन आयोजन कर रहे हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स के लिए। आप में से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स जो कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम के पहले दर्शक बनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये खास जो इनविटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स के लिए है। इंडिया बुक के किसी भी एडिशन में अगर आपका नाम है तो ये इनविटेशन आपके लिए है।
लेकिन इसके लिए पहले आपको इस ईमेल से हमें संपर्क करना पड़ेगा, हमारे फोन नंबर संपर्क करना पड़ेगा, एक स्पेशल इनविटेशन जाएगा, आपका नाम अगर हम शॉर्टलिस्ट करते हैं देन यू विल बी द लकी वन टू पार्टिसिपेट इन द ग्रैंड लॉन्च ऑफ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम. ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद.